महासमर का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। महासमर के मुद्दे में आज हम बात करेंगे उन सियासी बाणों की जो सियासी मंच से छोड़े जा रहे हैं। इस बार आरोप से ज्यादा प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, खुद की बात से ज्यादा दूसरों पर लांछन लगाई जा रही है। पहले जब सियासी भाषण होते थे, चुनावी भाषण होते थे, तो ये कहा जाता था कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी सोच क्या है। लेकिन अब बात कही जाती है उन मुद्दों की, बात की जाती है उन चीजों की जिनका सीधा कोई सरोकार ना तो जनता से होता है और ना उस जगह की सियासत से होता है। मसलन लाहौर, पाकिस्तान, चीन, हिंदू मुसलमान, उनको सीधा मुद्दों की बात करनी है क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव होता है सीधा जुड़ाव करता है आम आदमी से। और उन मुद्दों के बीच अगर हम बदला लेने की बात करें, फांसी पर छोड़ देने की बात करें, तो ये जो सियासी बोल बिगड़ रहे हैं उससे किस तरह की सियासत साधने की कोशिश की जा रही है और कैसे इससे निजात पाई जाए ताकि जनता जिस उम्मीद के साथ इन चुनावी सभाओं में और रैलियों में जाती है वो उम्मीद उनकी पूरी हो, उन्हें लगे कि हाँ जिस मुद्दे को लेकर वो बात सुनने के लिए गए थे उस मुद्दे को लेकर कोई बात वहां हुई है और लगता है कि शायद उसका निदान भी उनको, अगर इस पार्टी को वो जिताते हैं तो उनको मिल जाएगा। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ राम कुमार वर्मा जी भाजपा की तरफ से जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठा यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ जी दिल्ली से हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सबसे पहले शुरुआत राम कुमार जी से करना चाहेंगे। राम कुमार जी, इस बार की विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो सियासी भाषण है थोड़े से कुछ पिछले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अलग नजर आ रहे हैं। आपने लंबी सियासत की है, आपने भी चुनावी भाषणों के दौर देखे होंगे। पहले जो सियासत के भाषण होते थे उनमें बातें ऐसी लगती थी और ऐसी अच्छी बातें होती थी जो सियासत से सीधे जनता के दिल को छूती हुई नजर आती थी, लेकिन अब उन सियासी मंचों से जहर बुझे तीर छोड़े जाते हैं, सियासी बाण छोड़े जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जिनको सुनकर एक बार की लगता है कि क्या हम इन बातों को सुनने के लिए इन बड़े नेताओं की सभा में आए थे। आपको नहीं लगता कि सियासत का ये जो दौर है ये दौर बहुत गलत चल निकला है? सीधे मुद्दों की बात होनी चाहिए थे, जहर की बात, फांसी की बात और बदला लेने की बात, प्रतिशोध की बात। और ये देखा जाए कि जब आप भाषण दे, जब आप वोट देने जा रहे हैं तो याद रखें कि पाकिस्तान खुश ना हो, उस पर इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बहुत अनुशासित और मर्यादित और भाषा को नियंत्रित रखने वाले हैं। बहन असरी है तो बहन को तो आना ही है कि क्योंकि उनके नेता है, उनका संतुलन ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ नंबर आपका आए जब बताना बहन। बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भाषा नेताओं की है वो देश की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को महत्व रखते हुए सारी चीजों के लिए काम कर दी जाती है और उन्हीं पर हमारी भाषा केंद्रित रहती है। आपने देखा होगा जितना होगा, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरह का कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगल राज, अपराधीकरण और तुष्टिकरण की नीति है और इनकी भाषा, इनके कहीं नकारा, निकम्मा, बहुत सारी भाषा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी पता नहीं क्या क्या भाषा यूज करते हैं, वो हमारे नहीं है। अब हम विकास की राजनीति की बात करते हैं देश के अंदर या हमारे प्रांत में, राजस्थान में भ्रष्टाचार सर्व सीमाओं पर है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि हमारी बहन बेटियां महिलाएं जिस तरह का वातावरण राजस्थान में हो गया है उसको खत्म करने की बात करते हैं कि हम आएंगे, हमारी सरकार आ रही है प्रचंड बहुमत से, तो जब राहत मिलेगी हमारी बहन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। मैं उनके उदाहरण लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बहन को भी मालूम है, आपको मालूम है राजस्थान के अंदर किस तरह से 11 लाख केसेस दर्ज होना, 35,000 दुष्कर्म के केस होना और हर अगर एवरेज करें तो 17 केस दुष्कर्म के और 7 केस मर्डर के आते हैं। इस तरह के राजस्थान में जो अपराधीकरण और तुष्टिकरण की है कि हमने कभी जातिगत भेदभाव इस तरह की राजनीति नहीं करी, लेकिन क्योंकि इनके पास में कुछ है ही नहीं कहने के लिए, इनके पास में क्या है, थोती गारंटियां हैं। पहले भी इन्होंने बहुत सारी गारंटी दी थी जिसको जनता ने देखी। तो राजस्थान में हमारे नेताओं के जितने भी दौरे हो रहे वो सुशासन देने की बात करें, भ्रष्टाचार को खत्म करें और जिस तरह के राजस्थान में है उसको खत्म करने के लिए हमने ये निश्चित भी किया, हमारे संकल्प पत्र में भी किया। ठीक है, ये
जी प्रतिष्ठा जी से मैं वो कुछ कमेंट करना चाह रही हूँ, वो अपनी बात कहना चाह रही है। प्रतिष्ठा जी, बीजेपी का ये आरोप है कि जो सिर्फ हम अनुशासन में रहकर ही बात करते हैं, और जितने भी भाषणों में जो भी मैंने शुरुआत में जो इंट्रो पार्ट दिया था इस प्रोग्राम का, उसमें जो भी बातें कही थी, जो शब्द इस्तेमाल किए थे, वो सारे शब्द बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के मंच से दिए हुए हैं। बीजेपी के मंच से आप देखिए किस तरह की चुनाव को मैच करार दिया जा रहा है। भारत पाकिस्तान का मैच है। आप क्या ये राजस्थान की जनता या देश की जनता देख नहीं रही कि इनका अनुशासन किस तरह का है? केवल और केवल लड़ाने के अलावा ये एक शब्द पर बोलने को नहीं सकते। दूसरी बात, राजस्थान की बहन बेटियों की चिंता करना बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन इस पूरे देश की बहन बेटियां भी इसी देश, राजस्थान इस देश का हिस्सा है, और जहां बहन बेटियों को, जहां इनकी सरकारें डबल इंजन की सरकारें चल रही है, वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर रेप पीड़िता को जला दिया जाता है। मणिपुर की घटनाएं लीजिए, बहनों को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है वहां पर। यहाँ के मेरे जो बीजेपी के मेरे बड़े भाई की तरह मैं मानती हूँ उनको बैठे हैं, तो उनको मैं जानना चाहती हूँ कि उन बहनों के लिए भी थोड़ा दर्द आप रखिए, क्योंकि बेटी बेटी है, चाहे वो मणिपुर की हो चाहे वो राजस्थान की हो। क्योंकि राजस्थान के अंदर एक चीज का बड़ा फर्क है, क्योंकि जहां हमारी सरकार है वहां हमने सजा दी है, कानून को सख्त किया है, महिला सेल अलग से खोले गए हैं, और अनुसंधान जो 274 दिन के अंदर गवर्नमेंट, इनकी गवर्नमेंट के टाइम होता था, वो अब हमने 56 दिन का कर दिया है। ये राजस्थान की सरकार ने किया है, तब बहन बेटियों को न्याय मिला है। लेकिन जहां इनकी सरकार है वहां तो पुलिस उनको संरक्षण देती है, अपराधियों को कोई न्याय का कोई समाधान ही नहीं है। वो चीजें भी तो हमें देखनी पड़ेगी। दूसरी बात कि इन लोगों के कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। अब कल ही इन्होंने देखे कि मैनिफेस्टो इनको इनका आया, लेकिन इनका क्या पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी योजनाओं से घबराकर किस तरह से उनका यहाँ पर वैमनस्य का माहौल बनाया जाए, इस चीज पर इनका फोकस है। आप उस पर ध्यान इन्होंने नहीं दिया। मैं नहीं कह रही, ये देखिए मेरे सामने भास्कर की ये कटिंग है, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इन्होंने स्कूटी की बात की मेधावी छात्रों को, छात्राओं को, वो हमारी सरकार पहले से दे रही है। कालीबाई बहन के नाम से देव नारायण योजना के तहत 30,000 स्कूटियां प्रतिवर्ष दी जा रही है। जो इन्होंने 2.5 लाख नौकरियों को वादा किया, वो बबड़ा हास्यास्पद मुझे लगा, क्योंकि इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था। जब ये 2013-14 में आए तो वो वादे तो कहाँ गए, उनका तो कोई नहीं। यहाँ तो हम 3 लाख नौकरियां दे चुके, आप 2.5 लाख का वादा कर रहे हैं, तो आप किस तरह का छलावा लेके आ रहे हैं? जो विमेन्स के लिए जो सेल और जो थाने खोले जा चुके हैं उनको आप वापस से घोषणा में लेके आने, कुछ करने का भी इरादा है या केवल जो हम कर चुके हैं उसी को वापस दिखाने का इरादा है? तो आप अपने इरादों को साफ कीजिए। हम 500 रुपए में सिलेंडर उज्ज्वला को तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हमने उज्ज्वला के साथ और भी जो हमारे जो सिलेंडर को उपभोग करने वाले जो जरूरतमंद हमारे जितने भी हैं 1 करोड़ से ऊपर, वो भी देने का वादा कर रहे हो, देंगे। तो आप आज उज्ज्वला ये ही कह रहे हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या विजन है? आपने कोई विजन नहीं रखा है। आप केवल पाकिस्तान की बात करते हो, केवल व्यवस्था की बात करते हो, केवल भाई से भाई को लड़ाने की बात करते हो, धर्म धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हो। आप देश को विकास की बात कीजिए। आप बताइए कि आप पर भरोसा क्यों करे राजस्थान का जो वोटर है, वो आप पर ट्रस्ट क्यों करे? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा वादा, एक मिनट प्रभात जी, एक मिनट मुझे मेरी बात वाइंड अप करने दीजिए। आपने एक बहुत बड़ा वादा 2013-14 के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था कि वो अगर सेंटर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो इतनी बड़ी संख्या में एक ब्लैक मनी हमारी विदेशों में जमा है, जो अगर हम लेके आएंगे और हम किसी को नहीं बख्शेंगे। आपने कितने उन ब्लैक मनी धारियों को अंदर डाला, कितनी ब्लैक मनी आप लाई, लेके आए देश को, बताइए। आपने सत्ता के लिए हरियाणा के अंदर जो अपराधी सिद्ध होकर, जिनका अपराध सिद्ध होकर, जो चौटाला परिवार का एक बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ कि वो अंदर थे, आप बाहर ले आए केवल सत्ता हासिल करने के लिए। ये आपका चेहरा है, आप अपने आपके चेहरे को जनता पहचान चुकी है। बहुत सारी, चलिए जी मैं लौटूंगा सर, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। प्रमोद जी, नशे जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा देर तक असर नहीं रहता। सियासत का नशा ऐसा है जिसका सबसे लंबे समय तक असर माना जाता है, चाहे हम ड्रग्स की बात करें, स्मैक की बात करें, उन सबसे ज्यादा देर तक नशा रहता है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं अभी सियासी मंचों से, फांसी की बात कही जा रही है, पाकिस्तान की बात कही जा रही है, सेना की बात कही जा रही है, पथराव की बात कही जा रही है, और बदला लेने की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि वहां से भाषण सुनने के बाद
जो जनता जो उस भाषण को सुन रही है वो 25 तारीख तक उस नशे में रहेगी, उसको आपको लगता है कि वो नशा या फिर वो असर उस भाषण का उन बातों का तब तक रहेगा? सोचने विचारने के लिए उसके पास काफी समय है और भी कई चीजें उसके सामने आएंगी, फिर भी इन बातों का जिक्र करना किस तरह से उचित मानते हैं? देव प्रभात जी, जन टीवी की 2 महीना पहले हमारी जो बहस हुई थी उनमें स्पष्ट रूप से आपको हम बता दिया था कि ये चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हिंदुत्व का मुद्दा लेके आएगी। राम मंदिर बन चुका है, 22 तारीख का न्योता देंगे, तो फिर कांग्रेस को भी धीरे धीरे निश्चित रूप से उस ओर बढ़ना पड़ेगा। जैसे आज मैं आपको बताऊं, प्रियंका गांधी की सभा में उन्होंने गायत्री मंत्र बोला, कहा कि मेरी दादी ने मुझे सिखाया, मैंने मेरे बच्चों को सिखाया गायत्री मंत्र का। तो हिंदुत्व से तो कांग्रेस भी डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह, आप मोदी जी का भाषण सुनिए, उसमें सिर धड़ से अलग, मतलब रणपुरा कन्हैया लाल जी का, अमित शाह जी का सुनिए, उसमें भी वही कि कन्हैया लाल, योगी जी ने भी पुष्कर महासभा उसमें भाषण दिया कि अगर उत्तर प्रदेश होता तो कन्हैया लाल का सिर धड़ से नहीं होता, मैं सीने पे बुलडोजर चढ़ा देता। इतने तो पूरा की पूरा जो मैटर, जो भारतीय जनता पार्टी का मामला है, हिंदुत्व पर ही चला है। अब विकास का तो घोषणा पत्र जारी करना ही पड़ता है, भाई आपका विजन क्या है ये तो बताना ही पड़ता है, काम भी होंगे। और कांग्रेस को भी अब धीरे 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 कि हम भी कोई हिंदुत्व के विरोधी नहीं है, जैसे अपने बद्रीनाथ जी राहुल गांधी पहुंच गए थे और पूरी तरह, वो भी थोड़ा कमलनाथ जी के आपने पूरा जिक्र सुन ही लिया होगा, उनकी वीडियो काफी वायरल है, तो हिंदुत्व पर तो मुद्दा आ ही रहा है। लेकिन जनता है ना, जनता अब ये पूरी तरह से समझ चुकी, क्योंकि अब योगी जी ने आज फिर उसको ही दोहराया कि हमने ये कहा था कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन पहले ढांचे को हटाएंगे, तो फिर ढांचा हटा के मंदिर वही बनाएंगे, फिर तारीख भी बताएंगे, अब हम तारीख। तो ये जनता के दिमाग को पूरी तरह से हिंदुत्व की ओर धकेल कर सनातन धर्म का जो पूरा वो एक प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से ला रही। और फिर देखो, जंग और चुनाव, ये राजनीति इसमें सब जाया जाए अपने अपने हथकंडे जीतने के लिए अपनाते हैं। अब सोनिया गांधी भी जैसे प्रदूषण का वो करके 4 दिन यहाँ ही हैं, तो ये कोई प्रदूषण का तो आप समझते हैं, वो प्रदूषण तो हर बार दिल्ली में होता है, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यहाँ किस तरह की रणनीति वो वहां चली जा रही है, बड़े नेताओं की क्या मीटिंग हो रही है, 4 दिन लगे हुए हैं, तो ये पूरी रणनीति के तहत जो काम हो रहा है विकास का। और जनता जनता जान चुकी कौन कितना विकास करेगा और कितना करना है, तो वो उस बात को उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में फायदा दे रहा है। उसका कारण ये भी है कि जो कई घटनाएं हुई, जैसे जयपुर में 50 लाख रुपए देने की घटना हुई, उदयपुर में वो गला काटने की हुई, और कुछ ऐसी जो घटना है उनसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो हो रहा है। लेकिन अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं उनका भी बड़ा हथौड़ा है, वो भी एक हमला अच्छा कर रही हैं कि बिजली का फ्री का, जैसे अभी बता रही थी स्कूटी का, उन्होंने भी करना, उनको करना पड़ा, और जो 1,000 रुपये जो इन्होंने 7 गारंटी का कर रहे हैं, पेंशन का है और गारंटी देने की बात कर रहे हैं, तो इसका पब्लिक में निश्चित रूप से बहस तो है। एक बड़ा 25% जो हवा की तरफ तबका जाता है चुनाव में, वो इन चीजों पर मंथन तो कर रहा है कि मैं क्या सोचूं, ये 7 गारंटी जो दी जा रही है ये इनको क्या सोचूं, इन्होंने पेंशन तो लागू की है और इलाज तो हुए ही हैं, जो उस योजना में जो 15-15, 20-20 लाख के फ्री में इलाज हुए हैं, तो ये लोग सोच भी रहे हैं कि इस बार हम क्या सोचें। तो पब्लिक ये इस उसमें झांसी में इस बार मुझे लग नहीं रहा कि पूरी तरह आ रही है कि एक तरफ कोई झुकाव होकर चला जाए। जैसे आज मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई जबरदस्त तरीके से, तो वहां बता रहे हैं कि वहां कोई बहुत लोगों ने बड़ा ही साइलेंट वोट गया है, और ज्यादा से ज्यादा 5-10 सीटों का अंतर में दोनों पार्टियों का मुकाबला, जैसे विशेषज्ञ जो बता रहे हैं, जो उन्होंने सर्वे का जो आया है, तो इससे लगता है कि चुनाव तो है ही, और जो मुद्दे सारे सामने आ चुके हैं पूरा की भारतीय जनता पार्टी की दर जा रही है, कांग्रेस की दर जा रही है, राहुल गांधी जयपुर में पड़ाव डाले हुए हैं, उनके भाषणों में भी सिर्फ यही आ रहा है कि प्रियंका जी ने जैसे आज ये लाल डायरी मुद्दा बहुत उठाया अमित शाह जी ने कि भाई लाल कपड़ा देख के गहलोत जी डर जाते हैं, लाल है ना, तो लाल डायरी का प्रियंका जी ने ये कहा कि विकास की बात तो हो नहीं रही, लाल नीली पीली डायरी हो रही है,
आप अपना विजन तो बताओ। तो हमले तो एक दूसरे से बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं जी, जनता क्या सोचे बिल्कुल ये देखते हैं भाई इसके बाद जी बिल्कुल। रामकुमार जी आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन मेरा सवाल ऐड करना चाहूंगा अभी, मुझे आप ये बताएं कि कन्हैया लाल का जिक्र करना, मैं बीजेपी चूंकि आप बीजेपी के भाषणों की बात कर रहा हूं आपसे, या फिर हम ये कहें कि पाकिस्तान को लेकर ये कहना कि अगर मान लीजिए यहाँ कोई आपकी जो विधुड़ी है उन्होंने कहा कि अगर यहाँ कांग्रेस अगर चुनाव जीती है तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान खुश होगा। इसके अलावा भी काफी सारे मुद्दे हैं ठीक है, घोषणा पत्र को लेकर अगर आप बात करते, अपराध एक मामला हो सकता है, अपराध को लेकर बात करनी भी चाहिए, अपराध एक ऐसा मुद्दा है, लेकिन ऐसे मामले को लेकर बार बार चीजें उठाना जिसमें कांग्रेस का ये आरोप है कि जिन लोगों को पकड़ा गया कुछ ही घंटों के अंदर कन्हैया लाल वाले मामले में वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं, बार बार उसी चीज को काउंटर करते हुए कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, आपको नहीं लगता कि ये सिलसिला ऐसा है जिसमें आप दोनों के बीच की बात तो रह जाएगी कांग्रेस और बीजेपी की बात, लेकिन उन दोनों पार्टियों के बीच में जनता एक तरह से पिस जाएगी क्योंकि उसके मुद्दे की बात नहीं होगी। देखिए इनको कुछ न कुछ कहना है, इनको बातें जो वास्तविकता में जो हुआ है, अगर कन्हैया लाल की जिस तरह की उनका सर को तन से अलग कर दिया गया तो इसमें वास्तविकता है, और उसके बाद में ये किसने प्रोत्साहन दिया प्राधिकरण को, क्या मैं बैंक प्रतिष्ठा जी से और जिसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से पकड़ लिए ना एक मिनट वो अभी आपका जब आए जब आप बोला मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, आप इनको कहेंगे आप मणिपुर जाएंगे आप और जगह जाएंगे, राजस्थान में आपको क्या दिख रहा है, आपके प्रियंका जी यहाँ पर आती है और दौसा के अंदर भी आकर के गई, नादोती की घटना को आप क्या कहेंगे, एक बहन को गैंग रेप होता है वो तो करंट की घटना है, अगर थानागाजी की घटना को मैं बात करूं तो उसके अंदर गैंग रेप होता है, उसके अंदर एफ आई आर लॉन्च नहीं होती, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जब जाकर के मई 2019 से शुरू करें तो ये देखिए कि उसके बाद कितनी गैंग रेप हुई, एक नादोती में जिस लड़की के साथ गैंग रेप होता है उसके साथ उसको मारने के लिए गोली से गोली चलाई जाती है, इसके बाद में भी उस पर है तेजाब छिड़क दिया जाता है, कुएं में डाल दिया जाता है, भीलवाड़ा के अंदर आपने देखा किस तरह से लड़की के साथ में रेप होता है और उसको भट्टी के अंदर टुकड़ों में करके डाल दिया जाता है और जला दिया जाता है, आप योगेश जाटों की बात करें, हरीश जाटों की बात करें, इस तरह से बहुत सारे जो केस हुए और कम से कम 2 दर्जन के करीब संत और महात्माओं के मर्डर हुए हैं, आत्मदाह हुआ है, ये क्या है अपराध के अंदर, आज इन्होंने जो गारंटी दे रहे इन्होंने भ्रष्टाचार की गारंटी दी कि नंबर वन पर राजस्थान है, इन्होंने बलात्कार हमारे महिलाओं की सुरक्षा नहीं रहे उसकी गारंटी दी वो नंबर वन पर है, आज पेपर लीक 70 लाख युवाओं की जिंदगी को खराब कर दिया, उनके माँ बाप से उनसे अभिभावकों से पूछिए कि 19 परीक्षाओं में इतने कितने पेपर लीक हुए, अब एक होता है दूसरा होता है, उदाहरण देते हैं बाहर का, लेकिन क्या 17 लाख युवाओं के साथ में क्या चोट हुई, इनकी गारंटियों की क्या गारंटी है, आज 2 महीने पहले 3 महीने पहले गारंटियां 4.5 साल तक ये दोनों नेता कुर्सी के, एक तो कहता है कि कुर्सी मेरे को छोड़ती नहीं है, दूसरा कुर्सी झपटने के लिए प्रयास करता है, इनके नेता इस तरह से झगड़े में राजस्थान को जिस तरह से कुशासन और भ्रष्टाचार में डुबो दिया, मैं कहता हूं कि जिन केसों को इनको आकर के जनता के सामने आज जनता में फेस करने की स्थिति नहीं है, तो इनकी गारंटी तो नहीं के बारे में, लेकिन जो वास्तविकता है एक मिनट थोड़ा, हमारा विकास का एजेंडा है, विकास के मामले में आज राजस्थान में हुआ एक्सप्रेस हाईवे का देखिए, रोडवेज का देखिए, आप रेलवे की लाइन देखिए, ट्रेन देखिए, ये सारी की सारी एयरपोर्ट का देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से हुआ, राजस्थान ने तो जल जीवन मिशन के अंदर 5,000 करोड़ का घोटाला किया जिसमें पकड़े गए इनके मंत्रियों के साथ में इंजीनियर और इनके IAS है, करोड़ों रुपए मिला, आपको देखा DOIT के अंदर, अलमीरा के अंदर, अलमीरा के अंदर जो 2,31,00,000 रुपए मिले, ये कहां से आ रहा है, किस भ्रष्टाचार है आपका, ये हमारे, मैं आपका सवाल पहुंचाता हूं प्रतिष्ठा जी तक, उनसे जवाब ले लेते हैं, राम कुल मिलाकर देखिए प्रतिष्ठा जी, जवाब नहीं है, भगेंगे इधर उधर, मैं आपका सवाल पहुंचा रहा हूं उन तक, आपका सवाल मैं थोड़ा सा समराइज करके पहुंचाता हूं उन तक, प्रतिष्ठा जी देखिए कुल मिलाकर बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी रामकुमार जी मैं आपका सवाल पहुंचा रहा हूं उन तक पहुंचा रहा हूं मैं, प्रतिष्ठा जी कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा, अपराध के ये हाल है कि हर तरफ अपराध देखने को मिल रहा है, हर वर्ग के साथ अपराध हो रहा है और इसीलिए हमको मंच से अपराध को लेकर बात करनी पड़ती है। देखिए ये थोड़ा सा इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, हमने कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा जो कोई काम हमने किया, आपका सवाल हुआ मैं सब जवाब दे देता हूँ, हुआ कि नहीं हुआ,
राम कुमार जी बोलने दीजिए, प्रतिष्ठा जी को उनका जवाब तो ले, आपका सवाल था जवाब ले लेते हैं उनसे। जी प्रतिष्ठा जी बोलो, आप बोलो, लेकिन वास्तविकता पे थोड़ा आओ, ज्यादा तो नहीं आ सकते आप। जी मजबूरी है, झूठ की तो बुनियाद आपने घड़ी है, 2013 के सारे वादे आपने जुमले करार दिए और आने वाले टाइम में भी ये वादे जुमले होंगे, ये राजस्थान की जनता अच्छे से जानती है। दूसरी बात कि जहां पर आपकी खुद की सरकारें हैं वहां पर कितने रेप हो रहे हैं, किसको आपने डाला। राजस्थान एक इस देश का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा अपराधियों को सजा दी जाती है। आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, आप पेपर लीक में गुजरात के अंदर 26 पेपर लीक हुए हैं, किसको पकड़ा। राजस्थान में कानून जो आया है पूरे देश के अंदर पहला राजस्थान स्टेट है जहां पेपर लीक के सरगनाओं को सजा दी जाती है और पकड़ा है, पूरी चेन को पकड़ा है, ये राजस्थान के अंदर। आप मुझे एक अपराधी को बता दीजिए, आपने गुजरात में पकड़ा हो तो, यूपी में पकड़ा हो तो बता दीजिए, हरियाणा में पकड़ा हो तो बता दीजिए, फिर राजस्थान के युवाओं को क्यों छलना चाह रहे हैं आप, ये भी आप बता दीजिए। पूरे देश में आपकी सरकार, जहां आपकी सरकार है वहां का काम तो आप गिनवाएंगे ना। आपने महंगाई कम, आपकी सरकार राजस्थान की, उसका विकास। सुनिए राम कुमार जी, एक बार बताऊंगा, राजस्थान से पकड़ के आप गुजरात जा रहे हो, गुजरात में तो लाइट ऑर्डर है, यूपी में लाइट ऑर्डर है। आपका सवाल है, आपका सवाल को खत्म कर दिया है, जवाब तो देने दीजिए, आपके सवालों के जवाब तो आने दीजिए उनसे, बोलिए। से रुका जाता नहीं है, गलत को करते हैं आप, जवाब किसी चीज का देते नहीं। अब आपको एक बात सोचनी चाहिए, आप सुनने के लिए तैयार रहो। देखिए ये देखिए, इस तरह की डिबेट चाहते हैं, फिर रोके। मैं तो अनुरोध के साथ कह रहा हूँ, आप बोलिए प्रतिष्ठा जी, क्योंकि समय कम है। राम कुमार जी समय कम है, मेरे को मुझे प्रमोद जी को भी समय देना है। जी बोलिए। ठीक है चलो, आप बोलो, मैं झूठ को भी सुनूंगा, कोई बात नहीं। झूठ तो तुम बोलने के आदि हो चुके हो, तुम्हारी तो ट्रेनिंग ही आप लोगों की झूठ की होती है, उसके सिवा ही नहीं है तो सब इस देश के लिए। आपने महंगाई के लिए बात आप नहीं करते, मुंह नहीं खोलते। जब हमारी सरकार के टाइम में जब 450 का सिलेंडर था तो आपकी जो नेता है वो बड़े बड़े सिलेंडर उठा के कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार क्या हुआ 1000 के पार कर दिया। आप मुंह खोलते नहीं हो, आपने आप एक एक महंगाई को ले लीजिए, दाल चावल के रेट क्या थे हमारी जब गवर्नमेंट थी और आपने कहां पहुंचा दिए। आप इस देश को विकास का प्रतिष्ठा जी समय समय जी जी समय कम है, मैं माफी चाहूंगा आपसे, समय कम है, प्रभु जी के पास लौटना चाहूंगा। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि हिंदुत्व के लिए हमारे विश्लेषक सब बोल रहे थे कि हिंदुत्व से कांग्रेस डरी हुई है। देखिए हिंदुत्व को नहीं मानते, हिंदुओं को नहीं मानते, सनातन धर्म को नहीं मानते हो, बताइए मैं तो अनुरोध करता हूँ, मानते हो नहीं मानते, क्यों नहीं मानता, कौन नहीं मानता, सब मानते हैं। आपको चीखना पड़ रहा है प्रमोद जी, प्रमोद जी मैं आप दोनों से माफी चाहूंगा, प्रमोद जी मैं माफी चाहूंगा मैडम, समय कम है मेरे पास, माफी चाहूंगा आपसे जी। प्रतिष्ठा जी माफी चाहूंगा आपसे, समय कम है, प्रमोद जी को मुझे एक मिनट का समय देना है, माफी चाहूंगा आपसे। प्रमोद जी चुनाव जब भी इस तरह के कोई भाषण होते हैं, इस तरह की कोई हेट स्पीच होती है ना, तो मुझे टीएन सेशन बहुत याद आते हैं, सभी को याद आते हैं। चुनाव आयोग की भूमिका आपको कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे दौर में जब इस तरह के भाषण दिए जाते हैं और आपको लगता है कि अभी गुंजाइश बाकी है। देखो चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहा है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि उसको जो शिकायत जाती है तो कार्रवाई होती है पूरा, लेकिन यह है कि इस बार चुनाव में जो चल रहा है उसमें लग रहा है कि सब जैसे महंगाई बेरोजगारी तो मुद्दा ही नहीं रहा, महंगाई बेरोजगारी को तो नेता बहुत कम अपने एक दो लाइन में खत्म कर रहे हैं, बाकी लाल पीली डायरी कन्हैयालाल का सिर हट गया ये वो ये चल रहे हैं या पेपर लीक। हाँ मैं ये बता दूं, ये जो अभी ये कह रहे थे राम कुमार जी कि पेपर लीक ये है ना, युवाओं में बड़ा करंट है, अगर यूथ इसको गंभीरता से ले गया तो बहुत भारी पड़ेगा ये पेपर लीक का मुद्दा, इसको कोई हल्का आप मत समझे, ये जो यूथ है वो जो पेपर लीक पार्टी वो भाइयों से पूछो आप जाकर के जिनकी हालत और एक तो कांग्रेस को इस पे डैमेज कंट्रोल बहुत जरूरी करना पड़ेगा कि जो पेपर लीक का मुद्दा हुआ है इस पे अभी इतना कि भाई के ये केस हो गया ये कर दिया इससे कोई फर्क पड़ा नहीं है कि इन्होंने जो गिरफ्तारी करी है, पेपर लीक का बहुत जबरदस्त डैमेज करना पड़ेगा। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने इसका एक विशेष विज्ञापन बनाया है कि
आपने देखा होगा कि क्या क्या इससे आप दुखी नहीं हो मंत्री के, उनको सारी नौकरी मिल जाती है। तो वो लेडीज बोलती हैं कि गुस्सा नहीं आया, गुस्सा आया है लेकिन 25 को बताऊंगी। तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस कैंपेन को लिया है, इसका डैमेज कंट्रोल कांग्रेस अभी नहीं कर पाई है। दूसरा एक उसका हिंदुत्व के मुद्दे का नहीं कर पाई है। तीसरा कांग्रेस ने अभी कोई बड़ा प्रहार उस चीज पर भी नहीं किया है जो अभी जो महिला अत्याचार राजस्थान में हुई, तो जैसे शांति धारीवाल जी ने बोला कि मर्दों का प्रदेश है, इसका कोई डैमेज नहीं हो पाया है। तो ये जो इसका बहुत नुकसान निश्चित रूप से उठाएंगे सुनने कांग्रेस को। हाँ भाजपा का जो चल रहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच है, इससे भी कुछ वर्ग बड़ा हुआ है कि गंगा अपने तहजीब वाले प्रदेश में ये जो इस तरह के भाषण लेके चुनाव सियासी उसके लिए नहीं करना चाहिए, ताकि लास्ट तक चुनाव के बाद भी फेमस फैल रहे। जैसे जयपुर में छोटा सा एक्सीडेंट बड़ी घटना बढ़ जाता अगर उसको कांग्रेस। बिल्कुल जी जी बिल्कुल ये बात सही है। देखिए जो भी भाषण दिए जाते हैं उनमें कम से कम मर्यादा तो होनी चाहिए, ये सिर्फ बौखलाहट है या फिर सियासी बयान देने की एक मजबूरी है, इसको भी जनता को समझना होगा। मुझे लगता है कि जो भी भाषण दिए जाते हैं आने वाले वक्त में किस तरह के भाषण होने चाहिए इसका जवाब देने के लिए जनता के पास 25 तारीख का एक मौका है, वो ये साबित कर दे कि वो किस तरह की बातें इस मंच से सुनना चाहती है। उसे चटपटी बातें पसंद है या फिर उसे मुद्दों से जुड़ी हुई बातें पसंद है, वो जवाब देकर तय कर देंगी कि आने वाले दौर में सियासी मंच से किस तरह के भाषण होने चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी जो चाबी है वो भी जनता के पास ही है। लेकिन ये बात जरूर है कि सियासत को कुछ ना कुछ अपने स्तर पर एक अनुशासन तय करना होगा, ताकि ये इस जिस हम शुचिता की बात करते हैं सियासत की, उस शुचिता को बनाने के लिए कदम कम से कम सियासत की तरफ से बढ़ता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास विषय पर जुड़ने के लिए। महासमर का मुताबिक इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।